जब इनकी थिरकन देखी तो लोगों ने कहा, विदेशी माइकल जैक्सन से बढ़कर तो अपना देसी प्रभु देवा है। ये कहानी है प्रभु देवा की, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1973 में हुआ। इनका डांस देखने के बाद दुनिया के मुंह से यही निकला कि इसके बदन में हड्डियां नहीं, ये तो सिर्फ स्प्रिंग्स का ही बना है। प्रभु देवा दरअसल अपने पिता मुगुर सुंदर से काफी प्रभावित थे। इनके पिता दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर काम करते थे, फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा और इनके गुरु रहे धर्मराज और उडुपी लक्ष्मी नारायणन ने इन्हें काफी ट्रेनिंग्स दी, खास तौर पे इन्हें भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया। इन्होंने एक तरफ हिंदुस्तानी स्टाइल सीखा तो दूसरी तरफ वेस्टर्न स्टाइल में भी ये पारंगत हुए। राजू सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद दोनों इनके भाई हैं। 1988 की एक तमिल फिल्म में जिसका नाम था अग्नि नच्चाथिरम, उसमें ये बैकग्राउंड डांसर नजर आए थे। 1989 की फिल्म वेत्री वीजा में ये बतौर कोरियोग्राफर आए और उसके बाद इन्होंने कोरियोग्राफी की ऐसी लाइन लगाई कि बड़े से बड़ा हीरो जबरदस्त डांसर नजर आने लगा। कोरियोग्राफी से निकलकर ये आ गए एक्टिंग में। 1994 में इनकी फिल्म आई इंधु, जिसमें इनकी अभिनेत्री थी रोजा। 1999 में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ माइकल जैक्सन के ट्रिब्यूट में भी हिस्सा लिया। ये कॉन्सर्ट जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ। ये अपने भाइयों के साथ एक्टिंग भी करते रहे। फिल्म का नाम था 1-2-3। इन्होंने सिंगापुर में प्रभु देवास डांस एकेडमी भी खोली। प्रभु देवा ने ये साबित कर दिया कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं और डांस भी। चंदारे चंदारे कभी तो जमी पर बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते बॉलीवुड में भी इनका खूब नाम हुआ। बड़े से बड़े एक्टर ने इनकी डायरेक्शन में काम किया। फिल्म एबीसीडी में ये मुख्य भूमिका निभाते नजर आए थे। प्रभु देवा के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई रामलत से, जिनका नाम बाद में लता रख दिया गया। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, पर इनका सबसे बड़ा लड़का सन 2008 में कैंसर की वजह से ये दुनिया छोड़ चला गया। उसके बाद इनके प्रेम प्रसंग के चर्चे आए अभिनेत्री नयनतारा के साथ। ये देवा वो छोकरी को लव सिखा कर रहेगा। इनकी बीवी ने कोर्ट में गुहार लगाई कि नयनतारा से ये अपना रिश्ता तोड़ दें और वापस घर आ जाएं। मैं कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, क्यों तूने मुझसे प्यार किया, नींदें छीनी जिसने मेरी, क्यों तूने वो इकरार किया। प्रभु देवा ने मुंबई की तरफ रुख किया और मुंबई में ही रहने लगे। यकीनन निजी जीवन के उतार चढ़ाव और दक्षिण भारत से हिंदी सिनेमा तक का सफर इनका खूब सुर्खियों में रहा। प्रभु देवा यकीनन एक संपूर्ण कलाकार हैं। अच्छा लग रहा सर, अच्छा लगेगा ही। हाँ। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।